हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर रजनी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप पहली बार कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से बताई गई है। आप इस वीडियो को देखकर आप कुर्ती बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने इसके लिए ये फैब्रिक लिया है और इस पे हम आज सिंपल सूट की कटिंग करना बताएंगे। फ्रंट पार्ट है कुर्ती का, क्योंकि इसमें जो ये डिजाइन है वो आ रही है। और ये अपना बैक पार्ट है, इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और इसी में हमें स्लीव्स की कटिंग भी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कटिंग करने से पहले हमें नाप की जरूरत होती है। अपनी फिटिंग के अनुसार हम इस कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें फिटिंग के नाप के लिए क्या करना होता है, चेस्ट का मेजरमेंट लेना होता है, कमर का मेजरमेंट लेना होता है, विथ हमें इस कुर्ते की लेंथ भी पता होनी चाहिए कि हमें कितनी रखनी है, उस हिसाब से हमें कटिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुर्ती को इस तरह से रख लेना है। इस तरह से हमें कुर्ती की नेक के अनुसार, ये जो कुर्ती की नेक है इसके अनुसार हमें यहाँ पे रखना है। तो ये बीच में आएगी कुर्ती के सेंटर में और इस तरह से हमें इसको रखना है। पहले से रेडीमेड कुर्तियों में फैब्रिक लिमिट से आता है, तो इस हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी होती है। तो हमें क्या करना है, फैब्रिक को टू पार्ट में फोल्ड कर लेना है, जैसे मैंने किया है। इस तरह से मैंने फैब्रिक को टू पार्ट में फोल्ड कर लिया है और अब हम इसके ऊपर मेजरमेंट के हिसाब से इसकी मार्किंग करेंगे। तो पहले हमें इसकी लेंथ माप लेनी है, जितनी आपकी लेंथ है उस हिसाब से आपको मार्किंग करनी है लेंथ पे। तो हमें क्या करना है, जो अपनी नेक है उस हिसाब से देख सकते हो आप कहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरह से। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो हमारी कुर्ती की लेंथ है वो टोटल 38 इंच है। 38 इंच पे हमें कुर्ती की लेंथ रखनी है। तो हमें क्या करना है, इस वाले फैब्रिक को हटा के, जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम यहाँ से कट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। वो हम स्टिचिंग के टाइम करेंगे। तो ये इसकी साइज इतनी छोटी हो जाएगी और हमारी कुर्ती की नाप 38 इंच हो जाएगी। इसमें तो क्या है, रेडीमेड है तो मुझे फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे अटैच करना है। बट आपको क्या करना है, जो भी आपकी कुर्ती की साइज है उसमें आपको, जैसे मेरी कुर्ती की साइज 38 इंच है तो मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है ताकि मैं अंदर की तरफ कुर्ती के नीचे से ये पट्टी फोल्ड कर सकूं। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो मैं कुर्ती की लेंथ है वो आपको बता चुकी हूँ, 38 इंच है। और जो कमर की मार्किंग होती है कट की, मार्किंग मैं 18 इंच पे करूंगी, यहाँ पे देख सकते हो आप, 18 इंच पे करूंगी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको भी स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना है। तो हमारे 2 मार्क कंप्लीट हो गए। सबसे पहले हमें कुर्ती की लेंथ लेनी है, लेंथ के बाद में हमें कमर की जो माप होती है जहां पे कट लगाते हैं सूट का, वो कट हमें मार्क करना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो जितना आपका शोल्डर रखना चाहते हो उतना आप रख सकते हो। तो मैं इसका शोल्डर 6 इंच पे रखूंगी और मैं 6 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा लूंगी। अब हमें क्या करना है, शोल्डर आप 5.5 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो। अगर आप डीप गला बना रहे हो, फुल साइज का गला बना रहे हो, तो आप यहाँ पे 5.5 इंच रख सकते हो। और अगर आप कॉलर नेक बनाना चाहते हो या फिर कॉलर साइज में छोटा नेक बनाना चाहते हो, तो आप ये शोल्डर अपने माप के अकॉर्डिंग आपको लेना है। जैसे 7 इंच भी रख सकते हैं, 8 इंच भी रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ये शोल्डर रखना है। ये शोल्डर का मेजरमेंट हो गया। फिर हमें क्या करना है, ये सब में रहेगा सेम, जहाँ पे शोल्डर से हमें मार्किंग की है वहां पे 1 इंच डाउन करना है। इस तरह से यहाँ पे मैंने 1 इंच पे डाउन करके एक निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, नेक की चौड़ाई लेनी है। जितनी आपकी नेक की चौड़ाई है आप रख सकते हैं। तो मैं नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखूंगी इस तरह से, और 2.5 इंच पे एक मार्क लगा लूंगी। और यहाँ पे इस निशान को इससे इस निशान को इस तरह मिला दूंगी। तो ये अपना शोल्डर की मार्किंग और नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो आर्म होल की लेंथ कितनी लेनी है, जितना अपने शोल्डर लिया है हम उतने ही आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो मैंने आर्म होल 6 इंच रखा है, तो मैं इसकी कर दी, यानी कि मैंने आर्म होल की लंबाई 6 इंच रखी है और इसको भी इस लाइन से मिला देंगे इस तरह से। मैंने इसको मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट का मेजरमेंट किसी का 34 होता है, किसी का 32 होता है, किसी का 40 होता है। तो उसका 4th पार्ट करना है अपने को। मेरा चेस्ट का मेजरमेंट है वो 30 इंच है। 30 इंच का मैं 4th पार्ट करूंगी तो 7.5 इंच आएगा। तो 7.5 इंच पे मैं यहाँ पे एक, यहाँ पे देखना जो मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है, जस्ट यहाँ पे हमें 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है।
तो ये अपने 7.5 इंच पे मार्क हो गया। ये अपनी चेस्ट की मेजरमेंट है। प्लस इसमें क्या करना है, 2 इंच की लूजिंग एड करना है यहाँ से। तो इसमें मैं पहले से 2 इंच की लूजिंग एड कर दूंगी। तो ये अपना चेस्ट का मेजरमेंट हो गया और इसको इससे मिला देंगे इस लाइन को। ये अपने फ्रंट पार्ट कुर्ती की कटिंग है। तो इसके लिए हमें आर्म होल की जो गोलाई है वो भी हमें अलग से लेनी पड़ती है फ्रंट पार्ट के। इसमें क्या करना है, हमें 1/2 इंच का आर्म होल लेना है। तो ये अपना हाफ हो गया यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख के 1/2 इंच को, और फिर इस तरह से हम एक मार्क कर लेंगे 1/2 इंच पे, और हमें इस तरह से इस निशान को ऐसे मिला लेना है। अब हमें क्या करना है, जो अपनी कमर है उसकी मार्किंग करनी है। कमर आपकी साइज जितनी भी है, 40 है, 32 है, उसका 4th पार्ट करके जैसे चेस्ट में किया है बिल्कुल कमर में भी हमें वैसे ही करना है। तो मेरी कमर भी कितनी है, 30 इंच है, तो मैं इसका 4th पार्ट करूंगी तो 7 इंच आएगा। और प्लस इसमें 2 इंच की लूजिंग एड करना है, तो मैंने इसमें 2 इंच की लूजिंग एड कर दी है और इसमें कमर की मार्किंग कर ली है। अब कमर की मार्किंग के बाद हमें यहाँ से थोड़े से ऊपर साइड में हमें मार्किंग करनी है। तो ये मार्किंग हमें कितनी करनी है, ऊपर से 13 इंच या 14 इंच पर मार्किंग करनी होती है। तो मैं इसकी मार्किंग 13 इंच पे करूंगी, क्योंकि हमारे जो कमर है उससे थोड़ा ऊपर का पार्ट है वो पतला होता है, उस हिसाब से हमें इसकी भी मार्किंग करनी होती है। हम इसको सीधा नहीं मिला सकते, क्योंकि सीधा मिलाएंगे तो सूट की जो फिटिंग है वो बिल्कुल सीधी आएगी, गोलाई में नहीं आएगी। आप देख सकते हो कभी कभी फिटिंग ऐसे गोलाई में आती है, तो हमें इसकी मार्किंग भी बहुत जरूरी होती है करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो निशान लगाया है 13 इंच पे, तो उसकी मार्किंग करेंगे। तो जो मेरी जो फिटिंग है वो 26 इंच है, 26 इंच का 4th पार्ट करूंगी तो 6.5 इंच पे आएगा, और प्लस इसमें 2 इंच की लूजिंग एड कर दूंगी इस तरह से। तो आप देख सकते हो इस फिटिंग को और इस फिटिंग को और इस फिटिंग को, इन तीनों निशान को हमें इस तरह से मिलाना है। इस तरह से ये निशान कंप्लीट हो गए। और ये वाला नीचे का पार्ट है वो सेम जितना हमें यहाँ पे लिया है उतना ही हमें नीचे तक रखना है टोटल। तो ये कितना है टोटल, 10 इंच पे आ रहा है, तो 10 इंच पे मैं नीचे मार्क कर दूंगी इस तरह से, और इसको सीधी लाइन से इस तरह मिला दूंगी। तो ये अपनी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब आपको जिस तरह का नेक बनाना है, गोल शेप बनाना है, वी शेप बनाना है, पान शेप बनाना है, तो आप इस तरह से नेक को बना सकते हैं। मैं इसके डिजाइन के अनुसार बनाऊंगी। तो जो नेक है वो मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूंगी। तो इसकी लंबाई है नेक की वो मैंने 5 इंच रखी है, और चौड़ाई मैंने आपको बताई है 2.5 इंच रखी है, और इसी शेप में इसको मैं मार्क कर दूंगी, क्योंकि मैं इस डिजाइन के अनुसार इसकी नेक बनाऊंगी। तो ये अपना मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम इस मार्किंग की कटिंग करेंगे। जहां जहां हमने मार्किंग की है वहां पे हमें इसको कट कर लेना है। तो मैं इसको कट कर रही हूं। दोस्तों मैं इसको कट करूं तब तक आप वीडियो को लाइक, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से हमें इसको कट करना है, और जो हमारा 18 इंच पे मार्क किया था कट का, वहां पे भी हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है इस तरह से, ताकि हमें ध्यान रहे कि कितनी साइज पे हमें इसको स्टिच करना है। जैसे इस कट के अनुसार हमें पता चल जाएगा कि यहाँ तक हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। फिर ये हमारे कुर्ते की फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सेम इसी तरीके से करना है, बस इसमें 2-3 चीज है वो हमें फॉलो करनी है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट के लिए इस तरह से हमें फैब्रिक को रखना है बिल्कुल जैसे सेम उसमें रखा था, उसी तरीके से हमें इसमें भी रखना है। फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है अपने को। अगर आपको इसकी दोबारा मार्किंग नहीं करना आती है तो आप क्या कर सकते हैं, इस कुर्ती को इस पे रख के और इसकी मार्किंग कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। तो मैं इसके ऊपर रख के ही इसकी मार्किंग करना बताऊंगी आपको, ताकि आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको आसानी हो इसको बनाने में। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उस फैब्रिक को हम यहाँ पे इसके ऊपर रख देंगे कुर्ते को अच्छे से फिनिशिंग के साथ। आगे पीछे नहीं होना चाहिए कुर्ता अपना, जहां ये है उसी की साइज में हमें इसको भी अच्छे से सेट करके रखना है। तो हमने इसको रख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके अनुसार नीचे वाले कुर्ते की मार्किंग करेंगे। शोल्डर भी हमें इतना ही रखना है बिल्कुल, बट आर्म होल मैंने बताया था कि 1/2 इंच आगे का रहेगा और 1 इंच पीछे का रहेगा। इसी तरीके से हमें सेम इसकी
मार्किंग करनी है और कटिंग भी करनी है। और नेक की जो लंबाई है वो हम बाद में स्टिच। याद रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पीछे के पार्ट में आर्म होल की गोलाई है वो 1 इंच पे रखनी है। तो हमारी ये 1/2 इंच पे है तो हम इसको 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। 1/2 इंच तो ले रखा है हमने, लेकिन यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। तो इसकी गोलाई हमें इस तरह से देना है, इस तरह से हमें इसकी गोलाई देना है। बस इसमें ये एक ही चीज ध्यान रखनी है हमें कि जो आर्म होल की गोलाई है वो हमें यहाँ पे 1/2 इंच लेनी है फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में 1 इंच लेना है। बाकी सेम एज स्टिच वैसा ही रहेगा। और अब हम इसको कट कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे जो कट लगाया था वो कट पीछे की साइड भी लगा लेना है ताकि हमें पता रहे कि बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का कट कहाँ तक है। तो हमने यहाँ पे कट का निशान लगा लिया है, वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है और बैक पार्ट की भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसकी नेक की लेंथ लेनी है। नेक की लेंथ है वो मैं 5 इंच पे रखूंगी और चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच पे रखी है इसकी ऊपर और नीचे से। और इस तरह से बॉक्स बना लेना है हमें। बॉक्स बना के इसको हम राउंड शेप देंगे इस तरह। तो ये हमारी नेक की मार्किंग हो गई। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जो फैब्रिक हमारे पास बचा है हम उसी में से इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, फैब्रिक को अपने लेंथ के अनुसार रखना है। जिस तरीके से आपको सुटेबल रहे उस हिसाब से आपको जहाँ फैब्रिक ज्यादा हो उसमें से आपको कटिंग करनी है। तो मैंने इस हिसाब से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है और इसकी लेंथ के अनुसार भी मैंने लिया है और इसकी चौड़ाई के अनुसार भी मैंने इसको सेट कर दिया है। बिल्कुल आपको भी वैसे ही करना है। अब हमें क्या करना है, इसको फोर फोल्ड करना है इस तरह से। इस तरह से मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ तो मेरी टोटल लेंथ है वो 10 इंच है प्लस 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच नीचे की तरफ, तो मैं 11 इंच पे मार्क कर दूंगी इस तरह। अब हमें आर्मोल का मेजरमेंट लेना है। आर्मोल का मेजरमेंट कैसे लेना है, जैसे हमने आर्मोल की लंबाई 6 इंच रखी है उस हिसाब से हमें 6 इंच पे मार्क करना है सबसे पहले। तो प्लस इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, इस तरह से मैं 2 इंच पे मार्क कर दूंगी। तो टोटल है वो मेरी 8 इंच पे आ जाएगी। इस हिसाब से हमें मार्क करना है आर्मोल को। यहाँ से नीचे की तरफ क्या करना है, कॉर्नर से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है नीचे से। यहाँ से यहाँ तक तो मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ और यहाँ पे भी मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी ऊपर से। यहाँ तक तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा रह गया अपने मार्किंग। और यहाँ से हमें इसको गोलाई देनी है। तो आप देखना मैं किस तरह से इसको गोलाई दे रही हूँ। बस अब ये पार्ट अपना सीधा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से हमें आर्मोल को मार्क करना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी मोरी है उसकी फिटिंग के हिसाब से मार्किंग करनी है। तो बाजू की मेरी मोरी है वो 9 इंच है, तो मैं इसका हाफ करूंगी तो 4.5 इंच पे आएगा। पहला से इसमें 2 इंच यूज करूंगी। तो इस तरह से मैंने इसको मार्क कर लिया है। यानी अब इस निशान को और इस निशान को यहाँ से मिला देंगे हम। तो हमारी स्लीव, आप इस पर डिजाइन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन मैंने एकदम सिंपल तरीके से स्लीव्स की कटिंग करना बताई है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है और यहाँ पे बीच पॉइंट में हम एक कट लगा लेंगे ताकि पता रहे कि हमारा बीच सेंटर कहाँ पे है। अब हमें क्या करना है, जो हमने आर्मोल ली है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की, जैसे बैक पार्ट में हमने 1 इंच की आर्मोल दी थी और फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच की आर्मोल दी थी, तो यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट में भी हमें 1/2 इंच की गोलाई देनी है। तो आपको मैं अंदाजे से दे रही हूँ, आप नाप के भी दे सकते हो। जैसे यहाँ से 1/2 इंच पे मैं इस तरह से इसको गोलाई देना है, जैसे 1/2 इंच पे यहाँ पे मुझे इस तरह से गोलाई देना है। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये अपना फ्रंट पार्ट का आर्मोल हो गया और ये बैक पार्ट का है। ये हमें स्टिच करते टाइम ध्यान रखें, कटिंग कंप्लीट हो गई। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपके पास पहुंच जाए। अगर आप इसकी स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इसको आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।